वियोजन या विघटन अभिक्रिया। विघटन, विघटन का मतलब टूटना। टूटने का अर्थ है कि बड़ा पदार्थ छोटे पदार्थ में विभक्त हो जाएगा। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उच्च अणुभार वाले यौगिक को गर्म करने पर वह निम्न अणुभार वाले यौगिक में विघटित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसे हम विघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन मतलब अपघटन है तो फिर टूटेगा, लेकिन किसकी उपस्थिति में? तो विद्युत धारा की उपस्थिति में टूटेगा। तो जब हम द्रवित धातु के ऑक्साइड या हैलाइड, जब हम धातु के ऑक्साइड या हैलाइड से द्रवित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो कैथोड पर धातु जबकि एनोड पर अधातु मुक्त होता है। वैसे इसे समझने के लिए हम ये उदाहरण देखते हैं। 2NaCl द्रवित अवस्था, द्रवित अवस्था मतलब द्रव की अवस्था, पिघला हुआ अवस्था, मतलब गर्म करने पर जब वह पिघल जाता है तो वो अवस्था ही द्रवित अवस्था कहलाता है। तो द्रवित NaCl से विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो कैथोड पर सोडियम धातु मुक्त होता है जबकि एनोड पर क्लोरीन मुक्त होता है। यह वैद्युत अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें द्रवित धातु के हैलाइड या ऑक्साइड से विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर कैथोड पर धातु जबकि एनोड पर अधातु मुक्त होता है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें द्रवित धातु के ऑक्साइड या हैलाइड से विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर कैथोड पर धातु जबकि एनोड पर अधातु मुक्त होता है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। अगले क्लास में हम कुछ और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझेंगे।